जीत पाकिस्तान की और जश्न कश्मीर में। पाकिस्तान जीते और पाकिस्तान में ही जश्न होना स्वाभाविक है, लेकिन कश्मीर में किस बात का जश्न, किस बात के पटाखे। और ये कोई नई बात नहीं है, जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है, भारत जीते तो कश्मीर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान की हार से इतने दुखी होते हैं कि टीवी तक तोड़ देते हैं। और जब पाकिस्तान की जीत होती है तो जश्न मनाया जाता है, पटाखे फोड़े जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। और कल भी वही हुआ। वही दिवाली पर पटाखे न जलाने को लेकर ज्ञान बांटने वालों पर वीरेंद्र सहवाग ने भी तंज कसा है। कुछ लोगों की इस हरकत पर भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भड़क गए हैं। सहवाग ने कहा कि जब भारत में पटाखों पर प्रतिबंध है तो ये कहां से आ गए। वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर कहा है कि दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध है, लेकिन कल भारत के कुछ हिस्सों में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़े गए। अच्छा, वो क्रिकेट की जीत का जश्न मना रहे होंगे तो दिवाली पर पटाखे जलाने पर क्या हर्ज है, पाखंड क्यों, सारा ज्ञान तभी याद आता है। आखिर कब तक ऐसे मंजर कश्मीर में देखने को मिलेंगे। भारत सरकार कश्मीर में नए नए पैकेज अनाउंस कर रही है, युवाओं को नौकरी देने की बात कर रही है, हर फैसिलिटी मुहैया करवा रही है, लेकिन आखिर कब इन पर पूरे तरीके से लगाम लगाई जाएगी। आप जनता इस पर क्या कहना चाहती हैं, कमेंट कर ज़रूर बताइए। Pakistan!